हेलो दोस्तों दोस्तों यह सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ कब कैसे और कौन रातों रात स्टार बन जाता है किसी को भी पता नहीं लग पाता है कि कैसे वह क्या किया कि स्टार बन गया। कुछ भी नहीं कहानी। आज मैं ऐसे ही एक औरत के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको कुछ सिखा के जाएगा, जो आपको कुछ बता के जाएगा। उनका नाम है रानू मंडल। वो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे बैठकर लता मंगेशकर की गाना गाया करती थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी कभी नोटिस करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक आदमी जिसने उनको नोटिस किया, उनका नाम था यतीन्द्र चक्रवर्ती। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने उनका वीडियो बनाया और उसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया। धीरे धीरे वह वीडियो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हो गया कि वह बॉलीवुड तक पहुंच गया और इंडिया के सुपरस्टार सिंगर यानी बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर हिमेश रेशमिया ने उनकी आवाज़ को पहचाना और उन्हें अपने आने वाली फिल्म में गाने का मौका दिया। और उन्होंने कहा, बताया कि ये बहुत अच्छा गाती हैं और आगे ये बहुत आगे भी बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीखने वाली व्हाट इज द लर्निंग यह है कि किसी भी आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहना चाहिए। पता नहीं कब और किस रूप में आपको आपकी सक्सेस मिल जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अपना कर्म करना ही पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। सो All the best and love you.